नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। सीतकोड़ा थाना अंतर्गत बाबूडी बस्ती स्थित नदी घाट में नहाने गए 5 छात्रों में से 2 छात्र डूब गए। देखते देखते यह खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद काफी संख्या में क्षेत्रवासी नदी किनारे पहुंचकर डूबे हुए बच्चों को ढूंढने के प्रयास करने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार डूबे हुए किशोरों में आशीष टूला डुंगरी का रहने वाला है, जबकि नितिन कुमार बाबूडी बस्ती निवासी है। दोनों एक ही स्कूल काशीडी में पढ़ते हैं। स्कूल बंद होने के कारण दोनों अपने 3 अन्य साथियों के साथ नदी में नहाने उतरे। नदी की तेज धार की वजह से अपने को नियंत्रण में नहीं रख सके और दोनों डूब गए। वहीं अन्य 3 साथी किसी तरह तेज धार से बाहर निकलने में सफलता पाए और स्थानीय वासियों को इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर सीतकोड़ा पुलिस पहुंची और गोताखोरों के सहयोग से दोनों की तलाश में जुट गई। दोनों एक ही स्कूल का है। उसका भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता, वो भी साथ में। वो तो 15 साल के अंदर है। कितना उम्र होगा? 15 साल 17 साल। यहाँ पे स्कूल के बच्चे तो? हाँ, स्कूल के बच्चे यहाँ काशी स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डेली आते थे नहाने के लिए? ये तो आज मालूम चला हम लोग को, तो मालूम नहीं है कि आज मालूम चला बच्चा स्कूल बंद था तो लोग नहाने के लिए आ गए। बच्चे जो एक बच्चा हमारे बस्ती बाबूडी बस्ती का है और एक बच्चा का है, और कोई नहाने को दौरान लोग पानी में डूब गए और उनको डूबे हुए अभी 3 से 3.5 घंटा हो गया है जी। और प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, हमारे प्रशासन से बात की है, उनका कहना है कि अभी हम लोग गोताखोर को खबर किए हैं, किसको वाले लोग आ रहे हैं, वो लोग आकर खोजेंगे उसको। बस्ती का बच्चा लोग खोज रहे हैं, लेकिन ये लोग कहाँ तक खोज सकेंगे जब तक गोताखोर लोग नहीं आएंगे। स्थानीय द्वारा सूचना दी गई कि 2 बच्चे जो है नदी में डूब रहे हैं। हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए गोताखोर को लगाए हैं और पहचान कर रहे हैं, डूबने वाले की पहचान कर रहे हैं। कितने लोग थे? बताया जा रहा है कि 5 लोग आए थे, जिसमें 3 लोग नदी में डूबे थे, डूबने के नहाने के लिए गए थे, जिसमें 2 व्यक्ति डूब गए और 1 व्यक्ति नदी से बाहर गए। ठीक है, तलाश जारी है? तलाश जारी है। नाम पता चल पाएगा? अभी नाम पता की पहचान की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।